सरकार आपके द्वार को नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने राज्य का प्रोपेगंडा बताते हुए सरकार की 60 दिन की कार्य योजना को जनता के साथ छलावा बताया है। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने आज बीकानेर से पर्वतसर जाते हुए डीडवाना में यह बात कही। डूडी ने कहा कि राज्य ने जनता को बरगलाकर बड़ी बड़ी योजनाओं और वादों के नाम पर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन 2 महीने में ही इन वादों की पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं राज्य ने पूर्व सरकार की तरफ से चलाई गई महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजनाओं को भी बंद करवा दिया है। सरकार बनते ही इन्होंने जो लोगों को फिर जो है आगामी लोकसभा चुनाव देखते हुए लोगों को ठगने का और बरगलाने का जो 60 दिन की जो कार्य योजना उन्होंने दी, उस योजना के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो 60 दिन के अंदर वो जो है सरकार पूरी कर सके। उस 60 दिन की कार्य योजना बनाने के अंदर इन्होंने 42 दिन जो है उस कार्य योजना बनाने में लगा दिए, तो फिर 60 दिन में वो क्या काम करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में 163 सीटें जो राजस्थान की जनता ने बहुमत दिया है, और उसी बदौलत आज ये भरतपुर में जो है एक जनता को ठगने की, एक जनता को गुमराह करने के लिए जो सिर्फ जो है वह मौज मस्ती करने के लिए गए हैं, इनके जनता से कोई वास्ता नहीं। और इनके दिमाग में ये बैठ गया कि विकास के नाम से जो है कभी वोट नहीं मिले, यदि विकास के नाम से वोट मिलते तो राजस्थान के अंदर जो 5 साल हमने पिछले 5 साल में जो कांग्रेस के राज में जो विकास के काम हुए, जो हमने फ्लैगशिप योजनाएं हम बीच में लेके आए, उन योजनाओं से यदि वोट मिलते तो कांग्रेस वापस। कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट होने की कवायद में जुट गई है, साथ ही अपने मुद्दों को भी संवारने लगी है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जिन मुद्दों के साथ जंग लड़ी, अब उन्हीं मुद्दों की लड़ाई लड़कर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जनता को लुभाने की कवायद करेगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस राज में शुरू हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने में जुटी हुई है, फिर चाहे पेंशन की योजना हो या फिर मुफ्त दवा वितरण योजना। वहीं बड़े प्रोजेक्ट जिनमें मेट्रो और रिफाइनरी को मुद्दा बनाया जा रहा है।